हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ये कटोरी का पार्ट जो होता है तो उसको कैसे बढ़ाते हैं, जैसे जो कटोरी की कटिंग तो करते हैं लेकिन इसमें कितना बढ़ाना है, कैसे करना है, ये समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। अब देखो, यहाँ पे हमने जैसे लंबाई ली, लंबाई में हमने एक इंच प्लस किया, ढाई इंच हमने शोल्डर लिया, साढ़े पाँच इंच सॉरी ढाई इंच पे हमने गला लिया, साढ़े पाँच इंच पे हमने शोल्डर लिया है, यहाँ पे हमने कमर के हिसाब से दोनों जो गोलाई है वो दी है, और यहाँ पे हमने ये जो कटोरी का जो पार्ट है वो निकाला है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कटोरी का पार्ट होता है, जैसे मेरे कटिंग में मैं आपको क्या बता देती हूँ कि जैसे मैं कटोरी के पार्ट के ऊपर मैं बढ़ा नहीं सकती, मैं यहाँ पे जो इसके साइड का जो पार्ट होता है उसको लेकर हम ये बढ़ाते हैं। तो पहले हम ये जो कटोरी का साइड का जो पार्ट है उसको पहले कट करेंगे। ये देखिए, जैसे इस तरह से हमें इसको क्या करना है, पहले कट करना है। अभी यहां पे हमें फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसको कट करना है। ये देखिए, यहां पे हमने ये फ्रंट साइड की गोलाई जो है उसको कट किया है। अभी यहां पे मैं आपको बता देती हूं कि कटोरी कैसे बढ़ानी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको डेढ़ इंच पे यहाँ पे एक सीधी लाइन लगानी है। डेढ़ इंच पे सीधी लाइन जो है इसका कोई मार्किंग मतलब इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, खाली डेढ़ इंच में यहाँ पे लेना है और यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन लगानी है। ये देखिए, इस तरह से सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर आपको ये कटोरी के साइड का पार्ट जो है वो रखना है। इस तरह से रखते हैं। अभी कटोरी के साइड का जो पार्ट है यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अभी ये मार्किंग हम करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमें ढाई इंच पे एक मार्किंग करनी है। ढाई इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम डेढ़ इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ पे हमने डेढ़ इंच पे मार्किंग किया है, यहाँ हमें इस तरह से इसके गले का शेप देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने गले का शेप दिया और यहाँ हमें क्या करना है, इस तरह से सीधी लाइन लगानी है। अभी सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक नापना है, ये आता है 6 इंच, तो इसका सेंटर हमें लेना है 3 इंच। अभी सेंटर पे एक मार्किंग करने वाले हैं। यहाँ पे तो हमने डेढ़ इंच लिया है, ये डेढ़ इंच हमारा सीधा आता है। डेढ़ इंच सीधा आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो डेढ़ इंच का पॉइंट है हमारा, यहाँ से डेढ़ इंच पे एक मार्किंग करनी है। अभी यहाँ से यहाँ तक हमने डेढ़ इंच लिया, ये हम टक्स पॉइंट के लिए लेते हैं, और ये जो पूरा 6 इंच आया है इसका हाफ निकलता है 3 इंच, तो 3 इंच हमें क्या करना है, इसके आगे लेना है। यहाँ पे हम 3 इंच जो है इसके आगे लेते हैं और थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे 1/4 इंच जो हम सिलाई में जाएगा हमारा। यहाँ पे इस साइड में हमारा 1/2 इंच आया है तो इस साइड में भी हमें 1/2 इंच लेना है, 1/2 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 1/4 इंच हल्का सा बढ़ाना है और इस साइड में भी आपको 1/4 इंच बढ़ाना है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी का पार्ट है इस तरह से ज्वाइन करते हैं, जो बढ़ाया है हमने इसको ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे भी हमने 1/4 इंच बढ़ाया है तो इसे क्या करना है, इस तरह से इसमें हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से ज्वाइन करना है और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया भी है। जैसे पहले हम कटोरी का पार्ट जो है
क्या हो जाता है, हर एक की अलग अलग कटिंग होती है। कोई कोई क्या करता है, जो कटोरी का पार्ट निकलता है उसके ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन वो कटिंग के हिसाब से रहता है। लेकिन जब आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपके ब्लाउज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ब्लाउज़ भी परफेक्ट बैठेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे से आपको कटोरी का पार्ट जो है वो निकालना है, ताकि आपकी कटोरी कम ज़्यादा ना हो। अब जैसे हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके एक सीधी लाइन लगाई थी, इसके कटोरी के साइड का पार्ट हमने इसके ऊपर रखा था और यहाँ पर हमने एक मार्किंग किया था। ये कटोरी का जो शेप है, राउंड शेप, ये हमने पहले निकाला था। अभी यहाँ पे ये मार्किंग करने के बाद, उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ तक 2.5 इंच लिया था, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच लिया। अभी यहाँ 1.5 इंच लेने के बाद ये हमारा गले का मार्किंग निकला। अभी गले का मार्किंग निकला, गले का मार्किंग निकालने के बाद आपको पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पर इसको सीधा ज्वाइन करना है। अभी सीधा ज्वाइन करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। नापने के बाद ये दोनों का आपको सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्किंग किया था। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद नीचे के साइड में हमने 1.5 इंच लिया है। नीचे के साइड में हमने क्या किया, 1.5 इंच लिया। 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच पे टक्स पॉइंट लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों साइड में, ये देखिए, इस साइड में जैसे 1.5 इंच आया है, इस साइड में भी हमारा 1.5 इंच यहाँ आता है, और ऊपर के साइड में हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इसे इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें ये जो टक्स पॉइंट है हमारा, ये इस तरह से आता है। ये 2.5 इंच का लंबाई में हमें 2.5 इंच लेना है और दोनों साइड में हमारा 1.5 इंच आता है। और जैसे ये 6 इंच जो है, यहाँ पे हमने सिलाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, ये देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, तो ये दोनों साइड में जैसे इतना जितना यहाँ पे आया है उतना ही हमने इस साइड में लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड का सेंटर निकाला है, सेंटर के नीचे हमने 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच लेने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक हमने टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच लिया है। टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच लेने के बाद इसके आगे, जैसे ये कटोरी का हाफ जो निकलता है, इसके आगे आपको रखना है। इस पोर्शन जो हमने लिया है, ये कटोरी का हाफ पार्ट है। जैसे 3 इंच, 6 इंच आया था तो हमने 3 इंच इसके आगे लिया है, और जितना हमारा सिलाई में जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा रखना है। इस साइड में जितना हमारा एक्स्ट्रा नाप आता है उतना ही आपको दूसरे साइड में लेना है। अभी दूसरे साइड में लेके इसे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी हमारा हुक और आई की पट्टी आती है, यहाँ पर भी हमारा सिलाई में चला जाता है। तो आप इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये गला भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में भी थोड़ा सा सिलाई में जाता है और इस साइड में कटोरी जब ज्वाइन करते हैं तब भी सिलाई में जाता है, तो ये गले की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, वो ठीक से नहीं बैठती। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो गला है आपका परफेक्ट आना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 इंच आपको बढ़ाना है और यहाँ से यहाँ तक 1/4 इंच आपको बढ़ाना है। तो दोनों साइड से हमने, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है और फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया है और यहाँ पे हमने ये राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कटोरी जो है वो कैसे निकलता है। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमने कटोरी तो कट की है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये पहले आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे हमारा पोर्शन जो है वो कितना आता है, ये जो हुक और आई के साइड का पोर्शन है, जैसे ये हमारा, यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी है, क्रॉस पट्टी ज्वाइंट हुई है, यहाँ तक हमें नापना है, यानी कि 4 इंच आया है। अभी 4 इंच आया है तो यहाँ पे आपको नापना है, तो यहाँ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 4.5 इंच लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट आया है थोड़ा सा, और थोड़ा ज़्यादा भी होगा, जैसे 5 इंच होगा, 5.5 इंच होगा। तो अब जितना आपका ये पोर्शन आता है, ये जो पोर्शन है आपका, जब हम हुक और आई की पट्टी लगाते हैं
तो यहाँ पे जो यहाँ से हम गला गले की पाइपिंग बनाते हैं और यहाँ पे क्रॉस पट्टी, यहाँ से यहाँ तक आपको ये नापना है। नापने के बाद कितना आता है उसके उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। तो आधा इंच प्लस करोगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा नापना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसे क्या करना है, जैसे उसको राउंड शेप में इसको कट करना है, तो हल्का सा राउंड शेप इसमें हमें देना पड़ता है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये कटोरी का पार्ट जो है इस तरह से आएगा। और यहाँ पे ये अभी यहाँ पे हमारी ये कटोरी जो है इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कटोरी का पार्ट जो है यहाँ पे परफेक्ट आता है और एकदम परफेक्ट भी बैठता है। खाली आपको सिलाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये सिलाई जो है वो परफेक्ट आनी चाहिए, ये कम ज़्यादा भी नहीं होता और एकदम परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कटोरी का जो पार्ट है वो कैसे बढ़ाना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।